कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है, मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इस वक्त पंजा आजमाई नहीं कर रही बल्कि बाकायदा जंग जारी है और इस जंग में सबसे अहम फरीकैन है, एक जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दोनों जमातें आजकल कोशिश कर रही है कि एक दूसरे के गड़े मुर्दे निकाले जाएं और गड़े मुर्दे निकालने का ये कहानी अब पहुंची है इस्लामाबाद में, जहां पर गैर कानूनी तामीरात और मरगला पहाड़ियों के से दरख्तों की कटाई और रावल झील में आलूदगी का मामला जो था वो अचानक पहुंच गया है बनी गाला में इमरान खान की रिहाइश गाह को तक, जिसे अब गैर कानूनी करार दे दिया गया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मुश्तमिल बेंच ने इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से बनी गाला में गुज़िश्ता 20 साल के दौरान होने वाली तामीरात का रिकॉर्ड और रावल झील के किनारे अलॉटमेंट की तफसीलात तलब कर ली हैं। कल बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी, मज़ेदार डेवलपमेंट, जिसमें CVA ने सुप्रीम कोर्ट पर रिपोर्ट जमा कराई थी कि बनी गाला में इमरान खान के घर समेत 122 इमारतें गैर कानूनी हैं। रावल किनारे और मरगला के अतराफ तमाम गैर कानूनी इमारतों को गिराने का हुक्म दिया जाए। CDA ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे। आज चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि CDA और इस्लामाबाद इंतजामिया जवाब दे कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे जब इस इलाके में गैर कानूनी तामीरात जारी थी। बनी गाला के एक रिहायशी दरख्वास्त गुजार के वकील जफर अली शाह ने आज दलाइल दिए कि रावल डेम से 2 किलोमीटर तक तामीरात पर पाबंदी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और कन्वेंशन सेंटर वाली तमाम इमारतें 2 किलोमीटर के हदूद में ही आती हैं। जस्टिस उमर अता बदियाल ने रिमार्क दिए कि अगर बनी गाला में एक गैर कानूनी घर गिराना है तो तमाम गैर कानूनी तामीरात गिरानी होंगी और ये अदालत का काम नहीं घरों को गिराने का हुक्म दे, इदारे इस हवाले से खुद फैसला करें। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज इस पूरे मामले पर ट्वीट की और कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे कि बनी गाला में उनके घर की तामीर का इंतजामिया से प्लान मंजूर किया हुआ है और बनी गाला और लंदन के फ्लैट्स खरीद फरोख्त के सबूत कतरे खत के ड्रामे जैसे नहीं होंगे, वो इसके भरपूर डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेंगे। है मामला सियासी, चाहे इसका ताल्लुक बनी गाला के और मरगला के इस इलाके में गैर कानूनी तामीरात से हो या यहाँ पे दरख्तों की जो एक बेरहमाना कटाई जारी हो रही है उस हवाले से हो, क्योंकि अचानक 20 साल बाद ये फैसला हुआ है CDA की जानिब से कि बनी गाला की कुछ तामीरात इमरान खान घर के घर समेत वो गैर कानूनी हैं। इस पूरी सूरत हाल पर अदालत में क्या हो रहा है हमें इसकी मजीद मालूम देंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम, इस सिलसिले में इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है। इमरान बताइएगा क्या ये मामला क्या है, ये तो इस केस में तो खुद इमरान खान पिटिशनर है ना, अब ये केस खुद उनके दरवाजे तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, बज़ाहिर देखने को तो ये लगता है कि नमाजें जो हैं बख्शवाने गए थे और जो रोज़े हैं वो गले पड़वा बैठे, लेकिन बात जो है कि अदालत ने जो रिपोर्ट पेश की गई थी CDA की जानिब से ख़ास तौर पर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कि ये जो ज़ोन 3 और 4 के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन हुई है और जो बिल्डिंग्स रेगुलेशन की खिलाफवर्जी हुई है, इन इमारतों को गिराने की ज़रूरत है और 122 इमारतों की निशानदेही की थी CDA ने अपनी रिपोर्ट में, जिनमें इमरान खान की जो बनी गाला की रिहाइश गाह है उसको भी शामिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गैर कानूनी इमारतों की जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें इमरान खान की रिहाइश गाह भी शामिल है उसको साइड पे ऊपर रख दिया है। अदालत का आज की अदालती कार्रवाई में ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने
ये जो खत लिखा गया था इमरान खान की जानिब से, इसके ऊपर नोटिस इसलिए लिया गया था क्योंकि ये एक बुनियादी हकूक की खिलाफ फर्जी का इशू था, क्योंकि जो बनीकाला में सीवरेज का निज़ाम नहीं है तो उसकी वजह से जो गंदा पानी है वहाँ के इलाकों का, जो घरों का, वो रावल डैम में जा रहा है और रावल डैम का पानी जो है वो जुड़वां शहरों के लोगों को इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जाता है। दूसरा इशू, अदालत ने यह बताया कि जो बुनियादी हकूक है वो ये है कि जो बोटैनिकल गार्डन है उसके लिए जो रकबा मुख्तस किया गया था उसके ऊपर कब्जा माफिया जो है वो इंक्रोचमेंट कर रहा है और वहां पर दरख्तों की कटाई हो रही है। तो अदालत का यह कहना था कि एक जो इशू है वो पानी से रिलेटेड है और दूसरा जो इशू है वो हवा से रिलेटेड है, लिहाजा एक जिंदगी के लिए साफ पानी का और साफ हवा का होना नहायत जरूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये सीडीए की रिपोर्ट जिसमें अचानक इमरान खान और दूसरी 100 तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया है। आज वाजे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये इंटरेस्ट नहीं है, ना ये फोकस है और इसको कोई बहुत ज्यादा उन्होंने अहमियत नहीं दी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पर कहा है, जस्टिस उमरता बंदियाल ने, कि हमने तो बुनियादी हकूक की जो वायलेशंस हैं उनको देखना है, जहाँ तक इलीगल कंस्ट्रक्शन का इशू है इनको उनके जो मुतलका महकमे हैं, चाहे सीडी है या इस्लामाबाद इंतज़ामिया है, वो देखें। लेकिन आज जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो रिलैक्सेशन है वो भी दी है कि सीडीए से ये बात जो है या जवाब तलब किया है कि बताया जाए ये जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं, जो इमारतें बन चुकी हैं, इन्हें किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, इस हवाले से क्या स्टेप उठाए गए हैं या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, इस हवाले से भी आइंदा जब समाअत होगी जून के पहले हफ्ते में तो अदालत को आगाह किया जाए। और इसी मामले के ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस किया गया है, जबकि सीडीए ने जब अदालत के अंदर आज ये भी कहा था कि बनीगाला जो है वो जो सीडीए की हदूद है उसके अंदर नहीं आता, लिहाजा वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम सीडीए मुहैया नहीं कर सकता। तो इस मामले के ऊपर भी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है कि वो अपनी तजावीज़ दें कि बनीगाला के अंदर जहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं वो रह रहे हैं तो उन्हें सीवरेज का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो किस तरह से मुहैया किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, हमारे साथ मौजूद थे। ज़माना है सियासी कशमकश का और उसी के साथ सियासी जमातें एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं, ये भी कोई मसला नहीं है, मगर मसला ये है कि ये दोनों सियासी जमातें पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये गड़े मुर्दे उखाड़ के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जमा कर रही है और सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि इन मामलों में अब आप फैसला करें। कबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कुलभूषण यादव, भारत बिलक रहा है इस पूरे मामले में, जब से कुलभूषण यादव को रॉ के जासूस को सजाए मौत हुई है, अब पहुंचा है आलमी अदालत इंसाफ में। आलमी अदालत इंसाफ का ये मामला ही नहीं है, पाकिस्तान ने आज इस पर अपने मौकफ का भी इजहार किया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद।